हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू शिवाजी टेक। दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि आप अपनी शॉर्ट वीडियो किस तरीके से एडिट कर सकते हैं और किस तरीके से अपलोड कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों को यहाँ पर बता देना चाहता हूँ, फरवरी 2023 से शॉर्ट्स चैनल मोनेटाइज होना स्टार्ट हो जाएंगे। आपको अपडेट मिल भी गया होगा आपसे पहले। 9 जनवरी से शॉर्ट्स वीडियोज़ पर भी एड्स आना स्टार्ट हो चुका है। तो दोस्तों, बहुत सारे नए क्रिएटर शॉर्ट्स वाले जो यूट्यूब पर आ चुके हैं, अपनी वीडियोज डालना उन्होंने स्टार्ट कर दिया, लेकिन व्यूज 100-200 से ऊपर नहीं जा रहा है। उन लोगों की बड़ी परेशानी हो रही है, उन लोगों को बहुत मोटिवेट हो रहे हैं। तो उन लोगों की आज की ये वीडियो बहुत ज़्यादा जो है फ़ायदेमंद साबित हो सकती है। लेकिन मैं यहाँ पर आपसे एक बात ज़रूर कहना चाहूँगा, आप भाई ये बात मत बोलना वीडियो में कि भाई तू पहले अपने तो कर ले। भाई मेरे बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं ना आने के। मैं एक लॉन्ग क्रिएटर हूँ, ठीक है, मैं लंबी वीडियो बनाता हूँ, शॉर्ट्स नहीं बनाता। मैं आज की वीडियो बता रहा हूँ आपको शॉर्ट्स वीडियो पर आप किस तरीके से वर्क कर सकते हैं। और एक बात और यहाँ पर आप लोगों को कहना चाहूँगा, बहुत लोगों की ये सोच होती है भाई जो छोटे क्रिएटर्स होते हैं उनकी यार बात पर कोई विश्वास करता ही नहीं है, जो बड़े क्रिएटर चाहे झूठ बोले चाहे गलत बताए चाहे सही बताए वो आपको सही लगती है, ठीक है। भले ही मेरे व्यूज ना आए, लेकिन मैं यूट्यूब पर नया नहीं हूँ, बहुत समय दे चुका हूँ। वो अलग बात है कि मैं सक्सेस ना हो पाऊँ, वो अलग बात है, लेकिन बात आपको जेन्युइन बताऊंगा और सही बताऊंगा, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं वीडियो में आगे। बहुत सारे क्रिएटर्स जो हैं बड़े बड़े ये बोलते हैं कि भाई आप अपनी शॉर्ट वीडियो को अपलोड वीडियो पर जाकर अपलोड करो, ठीक है, तब व्यूज आएंगे। नहीं भाई, ये गलत है। यूट्यूब ने आपको शॉर्ट क्रिएटर वाला ऑप्शन किस लिए दिया है? शॉर्ट्स वीडियो अपलोड करने के लिए तो दिया है, ठीक है, तो वहीं पर जाकर करिए। चलिए सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूँ आप शॉर्ट वीडियो को किस तरीके से एडिट कर सकते हैं, ठीक है। सबसे पहले तो आप ये चीज़ सीखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले काइन मास्टर ओपन कर ले। काइन मास्टर ओपन करने के बाद प्लस के आइकन पर जाएं और यहाँ पर 9:16 रेशियो को जो है सिलेक्ट कर लें, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर आप अपनी उस वीडियो को यहाँ पर सिलेक्ट करें। तो यहाँ पर मैंने वो वीडियो सिलेक्ट कर ली है। सिलेक्ट करने के बाद आपको सबसे पहला काम यहाँ पर इसको जूम कर लेना। आप लोग यार इसको जूम नहीं करते, जूम कर ले सही तरीके से, ठीक है। इस तरीके से जूम करने के बाद आप इस वीडियो को जो है सही तरीके से इसमें म्यूजिक साउंड वगैरह दे सकते हैं। इसके बाद आप इसको जो है एक्सपोर्ट कर ले। एक्सपोर्ट करने के बाद यहाँ पर एक्सपोर्ट हो रही है, तो यहाँ पर मेरी वीडियो एक्सपोर्ट हो चुकी है। अपना यूट्यूब जो है एप्लीकेशन उसको ओपन कर लेते हैं। ओपन करने के बाद प्लस के आइकन पर जाते हैं और क्रिएट ए शॉर्ट। बहुत सारे ऐसा बोलते हैं कि आप अपलोड वीडियो पर, भाई शॉर्ट क्रिएटर्स पर ही जाकर अपनी शॉर्ट वीडियो को अपलोड करें, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर अपनी वीडियो सिलेक्ट कर लेते हैं। वीडियो करने के बाद मैं इसको थोड़ा सा म्यूजिक म्यूट कर देता हूँ। इसके बाद इसको डन कर दे। डन करने के बाद प्रोसेसिंग होगी। इसके बाद आप यहाँ पर राइट कर दे। राइट करने के बाद नेक्स्ट करेंगे, जैसे ही तो आपकी वीडियो यहाँ पर आ जाएगी, ठीक है। आप यहाँ पर कुछ छेड़छाड़ मत कीजिए, बिल्कुल भी आपको यहाँ पर कुछ नहीं करना, सीधा अपलोड शॉर्ट पर कर देना। अपलोड शॉर्ट पर जाने के बाद आपको बैक आ जाना है, अपना जो है वाइट स्टूडियो ओपन कर लेना। वाइट स्टूडियो ओपन करने के बाद आप नीचे कंटेंट पर जाएंगे और कंटेंट पर जाने के बाद आप यहाँ पर शॉर्ट्स पर जाएंगे, तो आपकी जो ये वीडियो सबसे ऊपर ही शो होना स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर वीडियो आ चुकी है, इसको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेते हैं। सिलेक्ट करने के बाद आपको पेंसिल के आइकन पर जाना है। पेंसिल के आइकन पर जाकर यहाँ पर आप टाइटल आपको नजर आ जाएगा, यहाँ पर आप टाइटल दे दीजिए। तो आपको यहाँ पर इस तरीके से टाइटल दे देना है। मैंने यहाँ पर टाइटल दे दिया मिस्टर बीन डांस, ठीक है। तो आप यहाँ पर इमोजी वगैरह लगा सकते हैं, हैशटैग दे सकते हैं, हैशटैग शॉर्ट्स, हैशटैग शॉर्ट इस तरीके से दे सकते हैं। इसके बाद आपको यहाँ पर कुछ नहीं करना, सेव कर देना। सेव करने के बाद दोस्तों, अब आप लोग बोलेंगे भाई हम अपनी शॉर्ट वीडियो में डिस्क्रिप्शन कैसे लगाएं, तो मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पर आप डिस्क्रिप्शन को। तो यहाँ पर आप अपना पूरा, सबसे पहले तो आपको यहाँ पर अपना जो टाइटल है इसको यहाँ पर कॉपी कर लेना। कॉपी करने के बाद डिस्क्रिप्शन में इसको बैठा देना। बैठाने के बाद आप अपना पूरा डिस्क्रिप्शन को जो है स्पैम लिख सकते हैं इसमें। आप ये मत सोचना कि भाई स्पैम डिस्क्रिप्शन बनाएंगे तो यार कॉपीराइट आ जाएगा या स्ट्राइक आ जाएगी, चैनल डिलीट होने, ऐसा कुछ नहीं हो सकता दोस्तों। डिस्क्रिप्शन से यार कोई कॉपीराइट नहीं आता। और आपको अपना स्पैम डिस्क्रिप्शन नहीं बनाना आता तो आप मेरा कॉपी कर सकते हैं, मेरे डिस्क्रिप्शन में आपको सब कुछ मिल जाएगा, ठीक है। तो इसके बाद यहाँ पर डिस्क्रिप्शन देने के बाद आपको यहाँ पर सेव कर देना। और सेव करने के बाद टैग की आपकी बारी आती है, तो टैग आप यहाँ पर वही लगाकर, आपकी एक दो वीडियो पर अच्छे खासे व्यूज पहले आ चुके हैं, वायरल हो चुकी है एक दो वीडियो, तो अच्छी बात है। नहीं है तो आप किसी दूसरे के जो है टैग्स को यहाँ पर लगा सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए आपकी भी शॉर्ट वीडियो उसी टॉपिक पर और दूसरे की भी उसी टॉपिक पर और वहाँ पर उसकी वीडियो वायरल हो चुकी है, तो आप उसके टैग्स को कॉपी करके अपनी उस वीडियो में टैग लगा सकते हैं, ठीक है। टैग लगाने से इस तरीके से कोई दिक्कत नहीं है। और अगर आपकी वीडियो पर अच्छे व्यूज आ जाते हैं, वायरल हो जाती है, तो आप इसी टैग्स को जो है
शायद हर एक वीडियो में आप दोबारा इसी तरीके से लगाते रहिए, ठीक है। ये सब प्रोसेस होने के बाद यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, अनलिस्टेड पे ही अपनी ये शॉर्ट वीडियो रखनी है, और उसके बाद जब सारा काम कंप्लीट हो जाए तो आप इसको जो है पब्लिक कर सकते हैं, ठीक है। तो गाइस अगर आप इस तरीके से अपनी शॉर्ट्स वीडियो को एडिट करते हैं और इस प्रोसेस के साथ अगर अपलोड कर देते हो, यकीन मानिए आपके व्यूज़ बहुत ज़्यादा अच्छे खासे आने वाले हैं। तो दोस्तों वीडियो आपको कैसी लगी, जैसी भी लगे कमेंट करके जरूर बताएं, वीडियो पसंद आए लाइक करना, चैनल पर सब्सक्राइब करना। दोस्तों चलिए फिर मिलते हैं आपसे फिर से ऐसी एक और नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।